हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी हार्ड में। अगर मेरे वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस चैनल को, लेटेस्ट वीडियो देखना मत भूले। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक्जिम बैंक, जो कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया जो कि जिसको बोलता है, इसके बारे में। तो दोस्तों, यहाँ पर जो कि रिसेंटली बहुत सारे पोस्ट जो कि यहाँ पर आया है, जो लोग नहीं जानते इसके बारे में मैं यहाँ पर बात करूँगा। तो यहाँ पे जिस जिस पोस्ट हुआ है आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, इसके बारे में आप लोगों को बात करूँगा दोस्तों। तो दोस्तों, इसके लिए आपको यहाँ पे इस पेज में आना होगा। इस पेज में आने के लिए मैं इसका जो लिंक है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप लोग वहाँ से जाके इस पेज में आ सकते हैं। तो दोस्तों, इसके साथ साथ अगर मैं कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप लोग कॉमेंट करके या मेरा डिस्क्रिप्शन में मेरा जो कि इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड ट्विटर के पेज है, आप लोग वहाँ से जाके भी मेरे फॉलो कर सकते हैं। इसके साथ साथ कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग वहाँ से जाके मेरे को पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, इस पेज में आने के बाद जो जो रिक्रूटमेंट निकला हुआ उसको देखने के लिए आपको यहाँ पे करेंट ओपनिंग और रिजल्ट जो कि है आपको वहाँ पर क्लिक करना होगा। इसमें क्लिक करने के बाद आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर तीन पोस्ट जो कि निकला हुआ है, थ्री पोस्ट निकला हुआ है। फर्स्ट जो पोस्ट है अपॉर्चुनिटीज फॉर यंग एंड ब्राइट मैनेजमेंट ग्रेजुएट्स मैनेजमेंट ट्रेनिंग, इसके बारे में। उसके बाद जो पोस्ट निकला हुआ है स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और अदर बैकवर्ड क्लास, नॉन क्रीमी लेयर एंड पर्सन विद द डिसेबिलिटीज, अपॉइंटमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT ऑफिसर ऑन कॉन्ट्रैक्ट 2018। यहाँ पे जो थ्री पोस्ट निकला हुआ है इसके बारे में मैं बात करूँगा, कौन कौन लोग जो कि यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, इसके साथ साथ क्या क्या आपको क्राइटेरिया आपको मेंटेन करना होगा। तो दोस्तों, इसके लिए मैं वन बाय वन जो कि थ्री पोस्ट है उसके डिटेल्स आपके साथ शेयर करूँगा या डिस्कस करूँगा। इसके लिए मैं यहाँ पर फर्स्ट जो पोस्ट है मैनेजमेंट ट्रेनिंग के बारे में, इसका डाउनलोड कर लेता हूँ PDF फाइल। तो दोस्तों, PDF फाइल डाउनलोड करने के बाद इसका जो डिटेल्स है यहाँ पे चलाया, उसके बाद आप लोग देख सकते। तो दोस्तों, यहाँ पे चलाया है इसका जो डिटेल्स इस जॉब के। तो इसका जो पोस्ट है मैनेजमेंट ट्रेनिंग के, यहाँ पे आप लोग देख सकते। उसके बारे में कुछ बता देता हूँ कि क्या क्या है इसके बारे में। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया एंड ऑल ओवर प्रीमियम फिनेंशियल इंस्टीट्यूट एंगेज्ड इन फिनेंसिंग फैसिलिटेटिंग एंड प्रमोटिंग इंडियन इंटरनेशनल ट्रेड, हैविंग अ नेटवर्क ऑफ 19 ऑफिस इन इंडिया, ओवरसीज अ लर्निंग सेंटर इन बेंगलोर एंड अहमदाबाद, इन्वाइटेड एप्लीकेशन फ्रॉम द फ्रेश मैनेजमेंट ट्रेनिंग ग्रेजुएशन। तो दोस्तों, इसके बाद पोजीशन जो है मैं आप लोग को बता चुका हूँ कि मैनेजमेंट ट्रेनिंग के टोटल वैकेंसी जो है उसका 20 और पोजीशन यहाँ पे है। इसके साथ साथ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो चाहिए यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन इन बिजनेस मैनेजमेंट और चार्टर अकाउंट, द पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स शुड बी ऑफ अ मिनिमम 2 ईयर्स फुल टाइम ड्यूरेशन इन केस ऑफ CA पासिंग, द प्रोफेशनल एग्जामिनेशन इन सफिशियंट मिनिमम 50% अ ग्रेड मार्क्स इन बोथ ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन, फ्रेश पोस्ट ग्रेजुएट हु हैव कम्प्लीटेड फर्स्ट देयर पोस्ट ग्रेजुएट इन देयर रिसेंट पास्ट और कैंडिडेट हु हैव अपीयर्ड फॉर द पोस्ट ग्रेजुएट एग्जामिनेशन आर द एक्सपेक्टिंग इन देयर रिजल्ट इन 2019 आर ऑल्सो एलिजिबल टू द अप्लाई। तो दोस्तों, यहाँ पे जो लोग ग्रेजुएशन है पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं 50% मार्क्स लेके, आप लोग इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो लोग 29 में उसका पोस्ट ग्रेजुएशन का जो रिजल्ट निकलेंगे उन लोगों को भी मैं बता देता हूँ, उन लोगों को भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके बाद बात करेंगे सैलरी जो रहेगा, यहाँ पे 33,500 तक आपका सैलरी रहेगा। अक्टूबर 1, 2018 तक आप अप्लाई कर सकते हैं 18 ईयर्स तक। अनरिजर्व के लिए एज लिमिट रहेगा 25 ईयर्स, SC ST के लिए रहेगा 30 ईयर्स तक और OBC के लिए 28 ईयर्स जो कि मैक्सिमम एज लिमिट के बाद कर चुका हूँ।
इसके बाद बात करेंगे कि आपको कब अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों अप्लाई करने के लिए आपको इसका ऑफिशियल इस पोस्ट इस साइड में आपको जाना होगा, जो कि आपका 13 अक्टूबर के फॉर्म द 13 अक्टूबर 2018 से आपका एप्लीकेशन शुरू होगा, तो आप तब अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के। तो दोस्तों लास्ट डेट जो है 10 नवंबर 2018 में आप अप्लाई कर सकते हैं, इसका जो लास्ट डेट है। दोस्तों इसके बाद बात करेंगे दूसरा पोस्ट जो कि है स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव फॉर शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के बारे में। इसके लिए मैं डाउनलोड कर लेता हूँ इसका जो पीडीएफ फाइल है, उसके बाद बात करूँगा इसका डिटेल्स। तो दोस्तों यहाँ पे डाउनलोड हो गया है इसका पीडीएफ फाइल, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे टोटल वैकेंसी जो है 8 और एकेडमिक क्वालिफिकेशन जो चाहिए यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन, उसके साथ साथ अगर आप 2 इयर्स के एक्सपीरियंस है आप अप्लाई कर सकते हैं इन सीए पासिंग प्रोफेशन। तो आपको यहाँ पे सेम आपको सेम एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए डिप्टी मैनेजर के लिए, इसके साथ साथ एक्सपीरियंस चाहिए 1 ईयर फॉर द पोजीशन ऑफ डिप्टी मैनेजर। उसके बाद जो पोस्ट निकला हुआ है मैनेजर पोस्ट के लिए मिनिमम मार्क्स जो कि आपको चाहिए बीटेक के कंप्यूटर साइंस 50%। तो अगर आप बीटेक में 50% मार्क्स लेके कर चुके कंप्लीट कर चुके अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे मैनेजर की पोस्ट के, जो कि आपको सेम आपको क्वालिफिकेशन चाहिए। उसके बाद बात करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के बारे में, मास्टर डिग्री चाहिए, इसके साथ साथ आपका हिंदी इंग्लिश जो कि आपका कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए। तो ये था जो कि इस पोस्ट के लिए। अगर आप एज लिमिट की बात कर देता हूँ यहाँ पे एसटी के लिए आप 32 इयर्स जो कि मैक्सिमम है, पीडब्ल्यूडी के लिए 37 मैक्सिमम एज लिमिट है, डिप्टी मैनेजर के लिए 35 फॉर एसटी और 33 फॉर द ओबीसी, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए ओबीसी के लिए 30 मैक्सिमम जो सैलरी मैक्सिमम जो एज लिमिट है सैलरी रहेगा डिप्टी मैनेजर के लिए, जो कि 23,000 से शुरू होगा 32,000 तक आप लोग को सैलरी रहेगा। मैनेजर के जो कि है 31 से शुरू होगा 45,000 तक आपका जो सैलरी रहेगा, और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए 23,000 से 42,000 तक आपका जो सैलरी रहेगा। इसका भी सेम रहेगा आपका 13 अक्टूबर 2018 से आप अप्लाई कर सकते हैं आपका एप्लीकेशन फॉर्म। तो आपका चार्ज जो लगेगा यहाँ पे 600 फॉर ओबीसी कैंडिडेट एंड जनरल, 100 रुपीज़ फॉर द एससीएसटी पीडब्ल्यूडी के लिए आपको एप्लीकेशन फीस आपको चार्ज देना होगा। उसके बाद बात कर लेते हैं लास्ट जो पोस्ट है यहाँ पे अपॉइंटमेंट फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी ऑफिसर के बारे में। तो दोस्तों इसका जो वैकेंसी है 2 है, इसका पोस्ट है आईटी ऑफिसर ऑन कॉन्ट्रैक्ट। आपको इसके लिए क्वालिफिकेशन चाहिए बीटेक एमटेक कंप्यूटर साइंस मास्टर डिग्री कंप्यूटर एप्लीकेशन, उसके साथ साथ 50% आपका मार्क्स होना चाहिए, एक्सपीरियंस एज ऑन अक्टूबर 1 2018। तो दोस्तों आपको यहाँ पे मैक्सिमम जो कि एज लिमिट जो है अनरिजर्व के लिए 35 और एससी के लिए 40 तक आपका मैक्सिमम एज लिमिट चाहिए। इसका भी सैलरी आपको रहेगा 14,000 पर 14 लाख पर एनुअल जो आपका जो सैलरी है, इसके साथ साथ आपका चार्ज जो है एप्लीकेशन फीस 600 रुपीज़ फॉर द जनरल ओबीसी वालों के लिए, 100 रुपीज़ फॉर एससी कैंडिडेट। एप्लीकेशन आपको फॉर्म मिल जाएगा 13 अक्टूबर 2018 में इस लिंक में इस पेज में। तो इसके लिए मैं इसका पेज जो लिंक है मैं नीचे दे दूंगा, आप लोग जाके वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था एक्सिम बैंक जो कि एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, इसके जो रिसेंटली जो जो रिक्रूटमेंट निकला इसके बारे में। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए प्लीज़ दोस्तों लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और कोई भी कन्फ्यूजन होता है तो आप कॉमेंट करके मेरे को पूछ सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।